सो अगर आपको मैं ये बैनर दिखाऊं एंड आपसे ये बोलूं कि अगर आप कैरियर एयर कंडीशनर लेते हो एंड साथ ही में उसको कैरियर के ऑथेंटिकेट सर्विस प्रोवाइडर से इंस्टॉल कराते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीस और यू कैन से अप्रॉक्स 300 रुपीस दे के इसकी 1 ईयर की जो कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिल रही उसको 5 ईयर तक एक्सटेंड करा सकते हो। तो ये चीज़ सुन के आप यही बोलोगे ना कि ये वाला जो वारंटी पैकेज है वो बिल्कुल बेस्ट वारंटी पैकेज है, आज तक किसी भी एयर कंडीशनर में ऐसा एक्सटेंडेड वारंटी पैकेज देखने के लिए नहीं मिला। बट एक्चुअली में ये एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन या फिर बोलो ये पूरा सच नहीं है, ये तो वो बातें हैं जो आपको ब्रांड्स हैं उनके जो पेड यूट्यूबर्स हैं वो बताएंगे, जिनको आप सो कॉल्ड रिव्यूअर्स भी बोल सकते हो, जो अपने आप अपने खुद के रिव्यू को बेस्ट रिव्यू बोलते हैं एंड उनके हिसाब से वो दूध के धुले हैं और उनके जैसे रिव्यू आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेंगे। तो मुझे यहाँ पे लगता है कि शायद इनने स्मार्टफोन वाले पेड रिव्यू वीडियोस नहीं देखे और ये जो ब्रांड्स होते हैं उनका इस तरीके से अपनी चीज़ों को प्रमोट करना है वो बिल्कुल जायज़ है क्योंकि वो ब्रांड है। बाकी ये वीडियो इस पे नहीं है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा, इस पे तो पूरी प्लेलिस्ट या फिर बोलो एक पर चैनल ही बन सकता है एंड ये डिसाइड करने का हक सिर्फ उनको है जो अपना दिमाग बंद करके यूट्यूब वीडियोस देखते हैं। बाकी सेकेंडली यहाँ पे मैं इस वीडियो से ये नहीं कहना चाहता हूँ कि कैरियर एयर कंडीशनर बेकार है या फिर इनकी जो वारंटी ऑफर है वो बेकार है, जो कि आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में लग सकता है, बट एक्चुअली में ऐसा है नहीं। यहाँ पे ये जो वारंटी पैकेज है वो कुछ लोगों के लिए बिल्कुल बेस्ट वारंटी पैकेज है एंड साथ ही में जो कैरियर के एयर कंडीशनर हैं वो बिल्कुल अच्छे होते हैं एंड कुछ सेगमेंट में मैंने खुद अपने जो कैरियर के एयर कंडीशनर है उनको बेस्ट वाला टाइटल दिया है। नाउ अब हम सीधा बात करते हैं कैरियर के वारंटी पैकेज के बारे में, जो कि कैरियर के हर एयर कंडीशनर बायर को नहीं मिलेगा। यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं जिनके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। सो, इस वारंटी को परचेस करने के लिए सबसे पहले आपको कैरियर का एयर कंडीशनर परचेस करना पड़ेगा एंड कहाँ से आपको परचेस करना वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। सेकेंडली आपको ये एसी कैरियर माइडिया के ऑथराइज इंस्टॉलेशन टीम से इंस्टॉल करवाना पड़ेगा, जहाँ पे जो स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन चार्जेस होते हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे 1300 रुपीज़ के अप्रॉक्स एंड साथ ही में अगर आपके कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स लगते हैं, एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें लगती है तो उसके जो भी कॉस्ट होंगे वो एक्स्ट्रा होंगे। थर्डली ये वाली जो एक्सटेंडेड वारंटी है वो आपको ऑफर की जाएगी सिर्फ और सिर्फ इंस्टॉलेशन के टाइम पे, जहाँ पे आपको अराउंड 352 रुपीस देने पड़ेंगे यहाँ पे इसके रजिस्ट्रेशन के लिए, जो कि नॉन रिफंडेबल अमाउंट रहेगा। अगर आप बाद में कैंसिल भी कराते हो अपनी वारंटी को या फिर इसकी क्राइटेरिया में फिट भी नहीं बैठते हो तो भी आपको ये रिफंड नहीं होगा। नाउ अब आपकी जो एक्सटेंडेड वारंटी है वो एक्टिव हो जाएगी एंड इसको एक्टिव रखने के लिए आपको हर साल अपने जो फर्स्ट ईयर होते हैं उसके बाद सेकेंड ईयर से लेकर फिफ्थ ईयर तक हर साल 2 पेड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस सर्विस करवानी पड़ेंगी, विच मीन्स यहाँ पे जो हमें एक साल की स्टैंडर्ड वारंटी देखने के लिए मिलती है उसके बाद यहाँ पे सेकेंड ईयर से लेकर फिफ्थ ईयर तक आपको हर साल में 2 बार यहाँ पे PMC सर्विस करवानी पड़ेगी। और ये वाली जो सर्विसेज हैं वो आपको करवाना कंपलसरी अगर आप अपनी एक्सटेंडेड वारंटी को एक्टिव रखना चाहते हो। बाकी किसी भी ईयर में अगर आपको ये 2 जो अपनी PMC सर्विस देखने के लिए मिल रही है उससे ज़्यादा की ज़रूरत होगी तो वो आपको यहाँ पे सब फ्री देखने के लिए मिलेंगी, 2 के आपको यहाँ पे पैसे देने पड़ेंगे जो कि आपको कॉस्ट करेंगे अराउंड 824 रुपीज़ ईच सर्विस एंड यहाँ पे जो 2 सर्विस कराने का जो ईयर का पीरियड है वो काउंट होगा आपके इनवॉइस डेट से। बाकी इस वारंटी पैकेज में जो चीज़ें कवर रहेंगी वो रहेंगी अपने इवेपोरेटर कंडेंसर कॉइल, इंडोर आउटडोर PCB, मोटर, गैस चार्जिंग सर्विस या बोल लो लेबर चार्ज, और साथ ही में अगर आपका इन्वर्टर वाला मॉडल है तो यहाँ पे जो अपनी गैस रिचार्जिंग है वो भी यहाँ पे फ्री रहेगी। एंड यहाँ पे जो गैस रिचार्जिंग है उसका मतलब ये है कि आपके कंडेंसर कॉइल या फिर बोलो इवेपोरेटर कॉइल में कोई प्रॉब्लम आती है एंड यहाँ पे गैस लीक हो जाती है तो यहाँ पे जो गैस रिफिलिंग होगी वो भी अपनी फ्री रहेगी। एंड यहाँ पे जो अपना सेकेंडली गैस चार्जिंग है उसका मतलब ये है कि अगर आपका कंप्रेसर ख़राब हो जाता है एंड इस केस में अपनी जो गैस वगैरह वो भी लीक हो जाती है तो यहाँ पे जो वापस गैस डालने के जो भी चार्जेस रहेंगे अपने कंप्रेसर में वो सब फ्री रहेंगे एंड ये अपने इन्वर्टर एंड नॉन इन्वर्टर दोनों के केस में रहेगा। बस यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था गैस रिचार्जिंग वाला वो सिर्फ यहाँ पे इन्वर्टर एयर कंडीशनर वाले मॉडल्स में इंक्लूड रहेगा। नाउ अब यहाँ से आगे बढ़े एंड यहाँ पे जो अपना फाइनल कॉस्ट उसको कैलकुलेट करें तो सबसे पहले आपको 299 रुपीस यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं वो देने पड़ेंगे, उसके बाद आपको हर साल यहाँ पे 2 सर्विस करानी पड़ेंगी जिसकी ईच का कॉस्ट होगा 299 रुपीस,
तो यहाँ पे आपको ये 4 साल करवाना पड़ेगा अगर आपको पूरे 5 साल का कवर चाहिए तो। तो ये जो अपना है वो टोटल बन जाता है 5,891 रुपीज़, जिस पे आपको हर टाइम पे जब भी आप पेमेंट करोगे, चाहे सर्विस से या फिर वो अपना रजिस्ट्रेशन चार्ज बोलो, वहाँ पे 18% टैक्स भी लगेगा। तो ये अपना जो टोटल बन जाता है वो बन जाता है अराउंड 7,000 रुपीज़, जिसमें अपनी 5 साल की कॉम्प्रेंसिव वारंटी रहेगी एंड साथ ही में आपको यहाँ पे हर साल 2 सर्विस देखने के लिए मिल जाएगी। एंड यहाँ पे जो सर्विस होंगी उसमें जो नॉर्मल क्लीनिंग वगैरह होता है एंड यहाँ पे जो एम्पियर टेस्टिंग, रिफ्रिजरेंट प्रेशर टेस्टिंग होती है, ये सब जो नॉर्मल चीज़ होती है वो रहेंगी, जो कि आपको यहाँ पे 2nd से लेकर 5th ईयर तक करवानी है, वरना आपकी वारंटी है वो वॉइड हो जाएगी। सेकेंडली, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको 5 सालों तक खुद या फिर किसी भी थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर अदर देन कैरियर माइड या ऑथराइज सर्विस पार्टनर किसी से भी इंस्टॉलेशन, डी इंस्टॉलेशन, री इंस्टॉलेशन, सर्विस या रिपेयर नहीं करवाना है। अगर आप ऐसा करवाते हैं तो वारंटी वॉइड हो जाएगी। थर्डली, यहाँ पे कोई भी डिफेक्ट अपने फॉल्टी पावर सप्लाई या फिर फॉल्टी कनेक्शन की वजह से होता है तो वो चीज़ वारंटी में यहाँ पे कवर नहीं रहेगी। एंड जहाँ तक मुझे लगता है ये यहाँ पे कहना चाहते हैं कि इनका जो वोल्टेज रेंज इन्होंने जो बताई है, जो स्पेसिफिकेशन बताई है आपके एसी में, उससे ऊपर नीचे जाते हैं। एंड उस केस में अगर ख़राब होता है आपका एसी तो भी यहाँ पे आपकी सर्विस इंक्लूड नहीं रहेगी। नाउ अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि जो वारंटी है वो किन लोगों को मिलेगी एंड किन को नहीं मिलेगी। तो फर्स्टली, यहाँ पे जो वारंटी पीरियड का ऑफर है वो आपको देखने के लिए मिलता है अप टू 30th जुलाई। सेकेंडली, आपको यहाँ पे जो एक्सटेंडेड वारंटी का ऑप्शन है वो सिर्फ और सिर्फ ये सिलेक्टेड सीरीज पे मिलेगी, ना कि कैरियर के सब एयर कंडीशनर्स पे। थर्डली, ये वाली जो वारंटी है वो आपको तभी ऑफर की जाएगी जब आप इनके जो एयर कंडीशनर है उनको या तो अपने जो रिटेल स्टोर है यानी कि ऑफलाइन स्टोर है उससे बाय करोगे, या फिर जो कैरियर माइडिया का ई स्टोर है उससे बाय करोगे। इसके अलावा अगर आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से या फिर किसी भी अदर ई कॉमर्स वेबसाइट से बाय करते हो तो यहाँ पे आपको ये जो वारंटी ऑफर है वो ऑफर नहीं किया जाएगा। और इनकेस यहाँ पे कोई यूट्यूबर ये बोल रहा है कि आपको ये वारंटी ऑफर है वो सब पे देखने के लिए मिलेगा, तो यहाँ पे जो सर्विस की जो गारंटी है वो भी आप उसी से ले लेना। 5th, ये अलग जो वारंटी पैकेज है वो सिर्फ उन लोगों को दिया जाएगा जो यहाँ पे अपने एयर कंडीशनर को रेसिडेंशियल पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं। और इससे मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि अगर आप अपने GST इनवॉइस बनवाते हो यानी कि बिजनेस के नाम पे अपना इनवॉइस बनाते हो तो आपको ये वारंटी पैकेज देखने के लिए नहीं मिलेगा। बिल्कुल आपको यहाँ पे ये जो वारंटी पैकेज है वो देखने के लिए मिलेगा। आप आराम से यहाँ पे GST नंबर डलवा के अपना जो 28% का बाइंग टैक्स होता है, यहाँ पे जो 18% का सर्विस टैक्स होता है, वो सब बचा सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो आपका यूज़ है वो रेसिडेंशियल पर्पज़ के लिए होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे जो अपनी इंस्टॉलेशन टीम है वो आपको एक बार बेच भी देती है अपना जो एक्सटेंडेड वारंटी वाला प्लान है, तो भी यहाँ पे जो कैरियर है वो आपकी एक्सटेंडेड वारंटी को टर्मिनेट कर सकता है। नाउ अब आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो यार वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, एंड इस टाइप का और कंटेंट देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड फिर भी अगर आप फर्दर सपोर्ट करना चाहते हो बिना कुछ एक्स्ट्रा पे किए तो आपको पता है आपको क्या करना है, सारे लिंक्स आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएंगी। बाकी यहाँ पे कॉन्क्लूजन पे आने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के जिस भी सेक्शन में आपको ये एक्सट्री सिंबल देखने के लिए मिला होगा वो वाला जो सेक्शन है वो यहाँ पे आप एक बार खुद भी कंफर्म कर लेना, क्योंकि उस सेक्शन में जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो मेरे पास रिटन फॉर्मेट में नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो कस्टमर एग्जीक्यूटिव है कैरियर का उससे जो मेरा कन्वर्सेशन हुई थी वो मेरे पास ऑडियो फॉर्मेट में है। सेकेंडली, यहाँ पे जब हम एक्सटेंडेड वारंटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके दिमाग में डेफिनेटली ये भी आया होगा कि कैरियर का जो आफ्टर से सर्विस है वो कैसी है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मेरे पास दूसरे यूट्यूबर्स के तरह दिव्य शक्ति नहीं है जिससे मैं किसी के भी कस्टमर एग्जीक्यूटिव को कॉल करके उसकी सर्विस को रेट कर सकूँ। बस मैं यहाँ पे जो अपनी रियल वर्ल्ड एनालिसिस है उससे इतना कह सकता हूँ कि जो कैरियर की कोर सर्विस है वो आपको अच्छी देखने के लिए मिल जाती है। बस हो सकता है कि कुछ एरियाज़ में या फिर कुछ सिटीज़ में आपको ये सर्विस लो देखने के लिए मिले। और यहाँ पे आपके जो लोकेशन है उसके अलावा भी यहाँ पे जो 2 फैक्टर होते हैं उस पे जो आपकी क्वालिटी ऑफ सर्विस है वो यहाँ पे मैटर हो जाती है, जिसको मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। नाउ अब यहाँ पे हम सीधी बात करते हैं कि ये वारंटी पैकेज आपको लेना चाहिए एंड लेना चाहिए तो किन को लेना चाहिए एंड किन को नहीं। जो लोग यहाँ पे किसी पेड प्रमोटर के कहने पे गो वारंटी जैसी थर्ड पार्टी एक्सटेंडेड वारंटी लेने वाले ही हों, जिसके मुझे यहाँ पे कोई प्रॉपर रिव्यू तो देखने के लिए नहीं मिले एंड साथ ही में इसकी जो कॉस्ट है
वो आपको पड़ेगी 3000 रुपीज़ पर ईयर अगर आप 3 ईयर का बंडल लेते हो। एंड यहाँ पे अगर आपको ये सस्ता लग रहा है तो आप पर ईयर 4600 रुपीज़ से जो एक्सटेंडेड वारंटी है वो भी बाय कर सकते हो, जिससे आप यहाँ पे बिल्कुल ट्रू प्रीमियम वारंटी की फ़ी ले सकते हो। तो अगर आप भी इस वाले सेक्शन में आते हो तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे जो ऑफिशियल कैरियर जो वारंटी दे रहा है वो आपके लिए एक बेटर चॉइस रहेगी, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो कॉस्ट है वो भी कम है, यहाँ पे आपको एक भरोसा भी मिल रहा है ब्रांड का, एंड साथ ही में आपको यहाँ पे 2 फ्री सर्विस भी देखने के लिए मिल रही है, जिससे जो आपका ओवरऑल एयर कंडीशनर का एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल अनइंटरप्टेड रहेगा, यानी कि आपको बिल्कुल क्लीन एंड एफिशिएंट कूलिंग देखने के लिए मिलेगी यहाँ पे 2 रेगुलर सर्विस के वजह से। बाकी अगर हम इनके अलावा इन जनरल यहाँ पे ओवरऑल वारंटी की बात कर लें तो नो डाउट ये जो वारंटी पैकेज है वो काफ़ी अच्छा पैकेज है। यहाँ पे आपको पर ईयर ही कॉस्ट करेगा 1750 रुपीज़, यहाँ पे आपको सर्विस देखने के लिए फ्री मिलेगी, यहाँ पे आपको मेंटेनेंस फ्री देखने के लिए मिलेगा, जिससे आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे टोटल पीस ऑफ माइंड देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आप चाहो तो आप बिल्कुल ले सकते हो, आपका अगर बजट है तो डेफिनेटली आप इस वारंटी को कंसिडर कर सकते हो। बाकी यहाँ पे अगर मैं अपनी बात करूँ तो अगर मुझे कैरियर का एयर कंडीशन लेना होता तो यहाँ पे मैं इसको फ्लिपकार्ट से बाय करता, जहाँ पे मुझे 1 ईयर की कॉम्प्रेसिव वारंटी मिलती, 5 ईयर्स की वारंटी मिलती पीसीबी पे, यहाँ पे 10 ईयर्स की वारंटी मिलती इसके कंप्रेसर पे, जो कि मेरे लिए बिल्कुल इनफ है, क्योंकि यहाँ पे जो सर्विस होती है वो आप बाहर से कराओ या खुद करो टाइम तो आपको उतना ही लगना है, चाहे उसको मॉनिटर करते हो या फिर उसको खुद करते हुए। बाकी यहाँ पे जो सबसे 3 इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो ख़राब होने के चांस सबसे ज़्यादा रहता है वो रहता है फर्स्ट अपनी पीसीबी, सेकंड रहता है अपना कंप्रेसर, एंड थर्ड है यहाँ पे गैस लीकेज। और इसमें से भी हमारे जो फर्स्ट की 2 चीज़ है वो अपनी वारंटी में प्रोटेक्टेड है, एंड यहाँ पे जो थर्ड चीज़ है वो यहाँ पे जनरली ऐसे एरिया में होता है जहाँ पे अपना ओपन ड्रेनेज है या फिर ज़्यादा पॉल्यूटेड इंडस्ट्रियल एरिया है या फिर आपके जो इन्वायरमेंट है उसमें ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है, एंड इनमें से 3 चीज़ों में से मेरे यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर मेरे लिए वो बेटर ऑप्शन रहेगा। बाकी अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसी फॉर्मेट में पूछना, तभी आपको अपने कमेंट की रिप्लाई देखने के लिए मिलेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।